शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी सारी संगत को गुरुजी के दरबार में अभिनंदन आज स्पेशल डे है साल का आखिरी दिन 2022 एंड वी हैव बीन थ्रू अलॉट कोविड का जो हमने कहर देखा सो आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग कि मैं प्रिपेयर नहीं आई थी कि मैंने सत्संग करना है और मेरे हाथ में गुरु जी के दरबार में उनके आगे मेरी नहीं चलती और सबके आगे मैं अपनी मन की कर लेती हूँ बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं सर नीचे डाल देती हूँ महाराज के आगे आके एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग कि आई हैव कम अ लॉन्ग वे एंड uh, सबसे सिग्निफिकेंट जो चीज़ मेरे दिमाग में आई 2003 में मैं जुड़ी हूँ और 2004 न्यू ईयर तब मैं गुरु जी के वहाँ पे हम नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे सब लोग इनवाइटेड नहीं थे लिमिटेड लोग फ्यू पीपल उस तरह का माहौल था गुरु जी के पास तो तब हम 2004 में हम नहीं गए थे बट आई वॉज जस्ट सिटिंग इन द कॉर्नर एंड रिमेंबरिंग आई सेट मेरे बेटे का बर्थडे दुबई में मैंने हमने जाके सिक्स जनवरी टू थाउजेंड फोर में वहाँ मनाया था और मेरे हस्बैंड की हेल्थ इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मैं दुबई जाके बेटे का बर्थडे मना रहे हैं और हम इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि आगे की ज़िंदगी का नहीं पता था कैसे चलेगी तो बर्थडे तो दूर की बात गुरु ने उनके दर्शन से उन्होंने मेरे बेटे की ऐश का शुरुआत कर दी थी मैं अब बैठ के अपना सोच रही थी कि रियल कृपा परिवार में हस्बैंड को हेल्थ की मिली मुझे अपने बेटे का सुख देख के मेरा सुख है परिवार का एंड आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग क्या क्या मेरे साथ हर साल गुरु जी के मिलने के बाद क्या क्या हुआ एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन जो चीज़ मैं इस मोमेंट पे बात करूँगी देर आर लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस तो थोड़ी चीज़ मैं पिकअप करूँगी अभी इस मोमेंट पे, 2006 हमने गुरु जी के साथ नया साल मनाना सोचा फाइव का जो था वो मैं नहीं मना पाई थी क्योंकि हम कंपनी के तरफ से वी मिला था तो हम पेनांग गए हुए थे और मेरे मन में था कि मैं हर साल देखती थी आज भी मैं देख कर आई हूँ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में मैं सोचती थी अरे इतना सुंदर पटाखे कितना अच्छा होता क्योंकि वो एक्सपोजर मुझे नहीं मिला था तब तक और गुरुजी के मिलने के बाद वी वेंट टू पेनांग वी ओवर टू डेज़ इन हांगकॉन्ग और मैं अपने कमरे की छत से हम विंडो से पूरा मैंने वो नज़ारा देखा फायर वर्कस एंड ब्यूटिफुल आई वॉज सिटिंग एंड थिंकिंग गुरु जी अबाउट दैट ऑल्सो शायद मैं तब उनको धन्यवाद नहीं कर पाई उस मोमेंट पर मैंने ज़रूर करा था आई कम फॉवर्ड टू टू थाउजेंड सिक्स थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फिफ्थ डिसम्बर हमें बोला गया था गुड़गांव संगत आके मंदिर की पार्किंग की जो जहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आपने देखा होगा कच्ची ज़मीन है उसकी सेवा करिए आके सारी संगत तो हम सब पहुँच गए गुड़गांव संगत और हमें दिए गए भाई ये दबाना है मिट्टी ठीक नहीं है सो वी डिड दैट एंड वी केम बैक एंड आई डोंट नो माई हजबेंड टुक समथिंग इन द ऑफिस एंड ही स्टार्टेड वॉमिटिंग ट्वेंटी फिफ्थ नाइट और वहाँ पे आई थॉट आई टॉक अबाउट इट क्योंकि अभी थर्सडे के दिन ये बात आई थी सेवा की और मैंने वहाँ पे क्योंकि वी गॉट अ गोल्डन हैंड शेक एंड वी कमिटेड इन गुरु जी इस दरबार पहली बार गुरु जी के मुँह से सिंगला अंकल को उन्होंने बोला गुड़गांव संगत से नए साल आ रहा है कुछ चढ़ा मतलब डोनेशन का जो भी लोग देना चाहते हैं आगे आके खर्चा है देखिए कौन क्या देता है सो वी जस्ट कमिटेड दैट मिनट एंड इमेजिन व्हेन आई केम बैक ही स्टार्टेड वॉमिटिंग रात दो बजे से नेक्स्ट डे आई वोक अप वी वेंट टू अपोलो ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड अब मैं बैठ के दिमाग में यही सोच रही हूँ कि गुरु मैंने तो कमिट किया हुआ है और मैं यहाँ बैठ गई हूँ आके और ये तो दस दिन से पहले मैं आ नहीं पाऊँगी नया साल निकल जाएगा तो मैं तो झूठी पड़ जाऊँगी मैं बार बार मेरे मन में यही बात आती गई गुरु जी ये कैसे होगा देन आफ्टर थ्री डेज़ आई जस्ट केम डाउन जैसे ये गणेश जी की मूर्ति है नीचे अपोलो में सेम है मैं वहाँ बैठ के मैंने मत्था टेका और मैंने गुरु जी को याद किया मैं माला लेके चलती थी मोतियों की क्योंकि मुझे ना तब तक मैं त्रियम्बकम का जाप करती थी ओम नमः शिवाय की मुझे प्रैक्टिस नहीं हुई थी एंड uh, मैं बैठ के वहाँ पे मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया मैं वापस आई और मैं बार बार सोच रही थी क्या मैं ड्राइवर बुलाऊँ अगर मैं मंदिर जा दान दे देकर आऊँगी सिंगला अंकल को तो पाँच घंटे मेरे रोड पर लग जाएंगे आप बोलो तो बहुत दूर है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एंड बिलीव मी वैन आई केम बैक डॉक्टर ने आया और आके कहते हैं अग्रवाल चलो चलो छुट्टी कर ले जाओ इनको मैं हैरान अरे और वो अमाउंट वो चीज़ मैं अपने पर्स में रख के थी कि शायद मेरा मौका मिलेगा तो मैं जाके देकर आऊँगी एंड वी केम घर मैंने को उतारा, और मैं सीधा वहाँ से रास्ते से फ्लास पिकअप करे और गुरु जी के मंदिर पहुँच के धन्यवाद करने धन्यवाद एक बहाना था एक्चुअली मैं अपना दान देने जाना चाह रही थी मैं आई रीच देयर आंटी ने दो बार सत्संग बताया जिस अंकल का नाम भूल गई थी वो हिज अर्जुन साबरवाल अंकल वो गुरु जी की सेवा में खड़े थे फ्लास भी अलाउड नहीं है गुरु जी के दरबार में ले जाना है स्टेट में और गुरु जी चोला बदल के कमरे से सामने से आ रहे और मेरे शक्ल देखी महाराज ने और स्माइल करे की होया ही सेट तो मैं एकदम ना जैसे छोटा बच्चा होता घबरा गया फबक के एकदम होट फट रोने वाली शक्ल आ जा बह जा मेरे कोल एंड ही कॉल मी और मैं अंदर गई और अर्जुन को बोला फ्लास ले लो अर्जुन ने फ्लास ले लिए जो ऊपर लगाए जाते थे जो डाइनिंग टेबल के नीचे बेटे ने बताया बैठते वहाँ एंड आई केम आई सैट 150 की संगत थी उस दिन वॉट इज़ द प्रॉबिलिटी कि मैं और जिस अंकल जो कलेक्शन लेते वो एक प्लेट में आना मुझे उठ के उनको ढूंढना नहीं पड़ा वो मेरे सामने थे और मैंने दिया उसके बाद मेरे मन में था कि मैं गुरु जी के थर्टी फर्स्ट को मत्था टेकूँ अब मुझे पता था अंकल का हेल्थ स्टेबल नहीं है और मेरी तड़प इतनी थी कि मुझे जाना ही है देन आई कॉल माई फ्रेंड शी सेट आई टेक यू मैं मेरी फ्रेंड मेरा बेटा अनुभव और उसका हस्बैंड हम चारों गए वाई एम शेयरिंग दिस टूडे इज जो फॉग ये बाहर है इससे डबल थी फॉग उस दिन इतनी डेंस फॉक थी कि आपको यहां तक ये यह पोल नहीं दिखेगा इतनी फॉक थी उस फॉग में गुरु जी ने जो मैंने मन से मांगा था उनके दर्शन हॉस्पिटल से घर आके दान थर्टी फर्स्ट के पहले दू सब मेरी मन की करवा रहे थे मत्था टेका वापस निकले डेंस फॉक बाहर निकले लेफ़्ट में पूरी रोड खुदी हुई और पत्थर के ढेर जमे हुए मोटे मोटे पत्थर अगर गलती से गाड़ी इधर हो जाए टायर बर्स्ट हो जाए इतने मोटे बजरी पड़ी हुई बेटे ने शीशा उतारा सिर बाहर निकाला और अंकल अंकल राइट लो अंकल लेफ्ट लो करते हुए श्रद्धा फार्म करके रास्ते में आता है पेट्रोल पंप पे उसके आगे पार्टी चल रही थी और मैं बोल रही गुरु जी मैं तो आपको मिलने आई ये किस मुसीबत में आपने हमें डाल दिया आप देखिए मन में आया और फॉग लाइट वाली छम 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 में गाड़ी आगे हमारे और वो ऐसे निकली कि बिल्कुल सामने मैरोली रोड तक बुला के छोड़ी और उसके बाद मैं पूरे 1040 फोर्टी मैं घर में थी मेरे लिए अमेजिंग था और मैं हक्की बक्की एंड आई एम वेरी हैप्पी अंकल लुक नॉर्मल ही वॉज ऑल राइट इन कपल ऑफ डेज आफ्टर टू थ्री डेज़ वेन आई वेंट टू टेम्पल आई केम टू नो अगर आपने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ी है जैत्रा अंकल का सत्संग है उसमें कि अंकल की फैमिली वॉज हिट ऑन दैट सेम नाइट और गुरु जी ने जैत्रा अंकल को उस गाड़ी में जाने नहीं दिया था उनकी वाइफ आगे बैठी थी आंटी को चोट आई बेटे को चोट आई गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई है टोटल हो गई और अंकल को बोला ना nah, हालत तू नहीं जाएगा मेरे कोल बैठ आफ्टर दैट ही टोल्ड इमीडिएटली एक्सटेंशन लाइफ की कितनी मौज करी उन जाके तो एंड आई डिंट यूवर नो अबाउट दिस सत्संग लेटर ऑन आई केम टू नो अबाउट दिस सत्संग एंड इफ आई लुक बैक टूडे आई सेट गुरु जी का अपना तरीका है आपको सेवा देने का उन्होंने मुझे तन की सेवा दी जो पार्किंग की जो उस दिन वो डंडों से लेवल करना था ग्राउंड मैं धन की करना चाहती थी उन्होंने एक्सेप्ट किया मन की सेवा मेरी ये थी कि मैं पूरा टाइम बैठ के सिर्फ उनके चरणों का ध्यान लगा रही थी चार दिन बैठ के बट उस कृपा में इतनी शक्ति थी महाराज के बुलाने की कि उसके बाद मेरे हस्बैंड का हॉस्पिटलाइजेशन गुरु जी ने परमानेंटली जो दस दस दिन वाला था वो रोक दिया जो धन की सेवा मेरे हाथ से गुरु जी ने मैंने कमिट किया पता नहीं कितना लंबा वो मेरे हॉस्पिटल का बिल बनना था जो गुरु जी ने छोटे में मेरे को टाल दिया ये मेरा पूरा विश्वास था जिस दिन हुआ ये आज मैं इधर बैठ के पीछे सोच रही थी मैं सत्संग नहीं करना चाह रही थी मैं प्रिपेयर भी नहीं आई हूँ मैं वैसे प्रिपेयर ज़्यादा करती नहीं जो गुरु जी बुलवाते हैं उनकी मर्जी और मैं सोच रही थी गुरु जी मैं इतना मेरे हाथ में तकलीफ है इट्स अ फ्रोजन शोल्डर मैं अपनी जैकेट पहनने के लिए मोहताज हूँ मैं अपने बाल नहीं कर पा रही और आज आप ऑफ ऑल द डेज मेरे हाथ में माइक पकड़ा रहे हैं मतलब आज आप मुझे स्पेशल कोटे में रखते हो जो मुझे डांस परफॉर्मेंस के जो आंटियों को ब्लेसिंग मिल रही है संगत के साथ साथ यू आर मेकिंग मी फील स्पेशल बाय गिविंग मी अ स्पेशल ब्लेसिंग टुडे, गुरु जी की जो भी आपको सेवा मिले श्रद्धा से करिए पता नहीं कौन सी चीज़ का काट महाराज कब किस वक्त करना चाह रहे हमें पता नहीं होता ये सारे सीक्वेंस आप देखिए 2006 के आज मैं बोल रही हूँ मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कब क्यों और कहाँ गुरु जी खड़ा करवाते हैं क्या बुलवाना चाहते हैं और किस तरह की सेवा देते वो सिर्फ उन्हें ही पता है जिसको वो बिठाना चाहते हैं वो आज मंदिर में है जिसको घर में ब्लेसिंग देना चाहते हैं वो घर पर है आते रहिए ब्लेसिंग लीजिए नए साल की सबको बहुत बहुत अच्छे से गुरु जी की कृपा से 2023 हमारा 2023 ब्यूटीफुल चढ़े उनकी ब्लेसिंग से चढ़े एज़ यूजल खूब एंजॉय करिए अपनी लाइफ को गुरु जी के दरबार में आके इट इज ऑलवेज नॉट हंड्रेड परसेंट इट इज टू हंड्रेड परसेंट जय गुरु जीवा